फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली फी पेमेंट को लेके है। दोस्तों, आज के दो दिन पहले मैंने एक फ़ी पेमेंट पे वीडियो बनाया था छोटा सा, जिसमें चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाई थी। और पिछले दो दिनों से जब से फ़ी पेमेंट का ऑप्शन चालू हुआ है, शायद ही किसी का फ़ी पेमेंट हो पाया हो। इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं जब से ये साइट अपडेट कर रखी है इन्होंने। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, किसी का ATM कार्ड ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर सिर्फ एक्सिस का ATM कार्ड चाहिए। और इन्होंने ऑफलाइन पेमेंट का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें लगभग सुचारू रूप से चल रही हैं, पेमेंट आप आसानी से हो रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे डाउट शायद क्लियर हो जाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट खोले और पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे फीस के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो ये फीस वाला दिखेगा। पेमेंट फॉर मिसलिनियस फी को छोड़ना है, पेमेंट फॉर रेगुलर फीस पर क्लिक करिएगा। पेमेंट फॉर रेगुलर फी पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। अभी ये फिर इस समय रह के हैंग करने लग रहा है, साइट अच्छे से चल नहीं रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों, ये अब खुल गया आपकी। जब इसके बाद पेमेंट फॉर रेगुलर पे करेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। अपना इनरोलमेंट नंबर जैसे मेरा U19 21 21 3 है। उसके बाद आपको ना आपको रोल नंबर भरना है, कुछ नहीं भरना है। यहाँ से सीधे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करिएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खुल के सामने आ जाएगी, आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर क्लिक कर लेना है, मेल या फीमेल। और उसके नीचे साथ ही साथ आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर 96 70 42 67 02, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई कोड ही नीचे लिखा हुआ है, इसको भरना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो जनरेट न्यू कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे आप भर देंगे। जैसे ये है WJMOFO, ठीक। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद ये देखिए, वेरिफिकेशन कोड सही भराया नहीं मेरा, फिर से भरते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से ये स्मॉल लेटर में है, JORYCJ और I। आई कैपिटल में रहेगा क्या? स्मॉल में ही भरते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट। यार ये फिर इनकरेक्ट बता रहा है, यही सब समस्याएं हो रही हैं, बहुत संभल के भरना पड़ेगा। स्मॉल में है GEBEJGF, ठीक है, JEBEGF। और उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये सबमिट करने के बाद जब आपका वेरीफाई कोड सही से भरिएगा, थोड़ा स्मॉल और कैपिटल लेटर पे ध्यान देना होगा। और जैसे ही आप भरेंगे तो इसके बाद आपकी ऐसा इंटरफेस पूरा खुल के आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जब अब नीचे आएंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे दिक्कत हो रही है, पेमेंट कैसे होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करिएगा। इसमें कुछ ये ऐसी बात नहीं है आपका एक्सिस बैंक होगा तभी पेमेंट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं,
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी या यूपीआई से। तो जैसे मैं यूपीआई से किया था, तो यहाँ पे यूपीआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको, जिसमें आपको कस्टमर वीपीए अपना नंबर डालेंगे, वेरीफाई कोड डाल के, और यहाँ से जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से आपका सीधा पेमेंट हो जाएगा। या फिर यूपीआई से नहीं करना चाहते हैं तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड जो भी होगा रुपये का यहाँ से करेंगे, या फिर इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपका पेमेंट हो जाएगा। मैंने अपना पेमेंट कर लिया और अब सारी चीज़ सुचारू रूप से लगभग चल रही है। ध्यान दीजिए कि ऑफलाइन पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप इससे करके पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। अंकित यादव, स्नातक छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज।